चीता परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। दो साल पहले नामीबिया से 8 चीते लाकर के मध्य प्रदेश के कोनो उद्यान में छोड़े गए। इस तरह तकरीबन 80 बरस के बाद देश में फिर से चीतों को बसाने की पहल शुरू हुई। हालांकि तब काफी आशंकाएं जताई गई कि भारत की जलवायु चीतों के अनुकूल नहीं है और शायद वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन अब ये आकांक्षाएं काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। उसके एक साल बाद दक्षिण अफ्रीका से बाहर चीते मंगाए गए थे। हालांकि इसी बीच 8 चीतों ने दम तोड़ दिया, पर बचे हुए चीतों ने 17 शावकों को जन्म दिया जिनसे 12 जीवित हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने इससे उत्साहित होकर के अब केन्या से चीते लाने का समझौता किया। भारत ने इसे अंतिम रूप दे दिया है और केन्या प्रशासन से इस पर मंजूरी का इंतजार है। केन्या से लाए जाने वाले चीतों को गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में बन रहे प्रजनन केंद्र में बसाने की योजना है। ऐसा नहीं है कि चीतों को बसाने की कोशिश इससे पहले नहीं हुई हो। अंग्रेजों के शासन में भी ऐसी कोशिश जरूर हुई, लेकिन हाँ, यहाँ की जलवायु और शिकारियों पर अंकुश न लग पाने की वजह से चीतों का कुनबा बढ़ नहीं पाया। अच्छी बात यहाँ ये है कि अब कोनो उद्यान में चीतों का परिवार बढ़ रहा है, उनकी संख्या 25 हो गई है। हालांकि योजना थी कि चीतों को कोनो में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाना था, मगर उनमें बीमारियों और शिकारियों आदि के भय से उन्हें अभी तक पिंजरों में ही कैद रखा गया। उनमें से सिर्फ एक चीता बाहर है। दरअसल कोनो उद्यान के चीतों में कई बार बीमारियों का प्रकोप देखा गया, इसलिए उन्हें सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। पर इस तरह से अभयारण्य और चिड़ियाघर में अंतर नहीं रह जाता, यानी जंगल और चिड़ियाघर एक जैसे हो जाते हैं उनके लिए। गुजरात के नए बन रहे प्रजनन केंद्र में भी अगर उन्हें पिंजरे में रखना पड़ा तो फिर उनके स्वाभाविक जीवन को लेकर दावा करना मुश्किल होगा। यह अपेक्षा अभी पूरी नहीं हुई है कि चीते खुले में कुलाचे भरेंगे और लोग उन्हें अपनी स्वाभाविक जीवन शैली में देख पाएंगे।